टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। नशा मुक्ति केंद्र में लड़कियों को नशा देने और लड़कियों से मैनेजर पर रेप करने का आरोप लगा है। नशा छुड़ाने के लिए अक्सर लोग नशा मुक्ति केंद्र में नशा करने वालों को रखते हैं और ताकि इनके नशे की लत छूट सके। मगर वहीं ऐसे नशा मुक्ति केंद्र जहां नशा देने का लालच देकर लड़कियों से रेप की घटनाएं सामने आई हैं। यही नहीं, विरोध करने वाली लड़कियों की पिटाई भी यहां की जाती थी। ये पूरा मामला देहरादून का है, जहां नशा मुक्ति केंद्र में डायरेक्टर विभा सिंह को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जो आरोपी मैनेजर है विद्या दत्त, वो भी फरार बताया जा रहा है। लड़कियों के जो बयान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक वॉशरूम में कुछ लड़कियां ड्रग्स ले रही थी। जब इनसे लड़कियों ने पूछताछ की तो पता चला कि मैनेजर के साथ यौन संबंध बनाओ तो जितना चाहोगे उतना ड्रग्स मिलेगा। मगर अब ये पूरा मामला सामने आया है और इस नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ भी हो गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है और लड़कियों के मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद रेप चार्ज भी FIR में जोड़ा जाए। कब से आप इस सेंटर में, जो ये नशा मुक्ति केंद्र है, कब से थे? मैं 26 में से मैं मम्मी ने मेरा पिकअप करवाया था और स्टार्टिंग में तो मतलब बोला तो गया था कि लव केयर का ट्रीटमेंट चलता है वहाँ। अच्छा, नशा पहले आप ये बता दें कि नशा क्या करते थे, कब से नशा कर रहे थे? नशा आई वाज डूइंग फ्रॉम 2018 स्मार्क का, और उसी वजह से बीच में उन्होंने मेरे को पहले भी एक रिहाब में पैक किया था। वहाँ पे भी कुछ सीन लड़कियों के साथ ऐसे ही था, इसलिए मेरी मम्मा ने मुझे 4th month में निकाल दिया था वहाँ से। फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस आए कि मैंने फिर से पिकअप कर लिया उसको। मम्मा ने फिर से मुझे पिकअप कराया मेरा ये वॉक इन बिन में जो यहाँ पे आई डोंट नो द एड्रेस। तो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में वहाँ पे लव केयर का बोला तो लव केयर का लग रहा था, अच्छा ट्रीट किया मेरे को भी, अच्छे से डिटॉक्स करवाया, सब कुछ सही था। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, 1 month हो गया मुझे। मेरी मम्मी की फर्स्ट मीटिंग आके चली गई, मम्मी से मिली, मैंने मम्मी को बोला सॉरी एंड ऑल दैट। मैंने बोला अच्छा सेंटर है, मैं रह सकती हूँ यहाँ पे और मैं अपना रिकवरी देखूंगी। मम्मी भी खुश होके गई। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि वहाँ पे नशा मिलता है, और क्योंकि लड़कियाँ साथ में रहती थी तो 2-3 ग्रुपिज्म करके टॉयलेट में रहते थे, 2-3 घंटे लगते रहते थे। हम सोचते थे कि ये 2-3 घंटे अंदर कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर है एक एडिक्ट को पता चल जाते कि कुछ चल रहा है गलत वहाँ पे। तो ऑब्वियसली मैंने एक बार पूछा कि तुम लोग क्या करते हो इतने टाइम तक वॉशरूम में? तो उन लोगों ने बोला कि हमको तो नशा मिलता है, हम नशा करते हैं। मैंने बोला नशा मिलता है, मतलब नशा मुक्ति केंद्र में तुम्हें नशा कैसे मिलता है? तो उनने बोला तुझे भी करना है क्या? ऑब्वियसली उस टाइम एडिक्ट माइंड था, कोई भी आपके सामने आपका COD रखेगा, चॉइस ऑफ ड्रग रखेगा, तो तुम मना नहीं करोगे ऑब्वियसली। हाँ, तो मैंने बोला हाँ भाई, जब तुम मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट। तो उन्होंने बोला उसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। पर तो आई वाज लाइक कि क्या करना पड़ेगा मुझे? तो उसने बोला जो हमारा सेंटर का डायरेक्टर है ना, विद्या दत्त रतूरी। मैंने बोला हाँ, तो तुझे उसके साथ फिजिकल होना पड़ेगा, तो वो तुझे, तू जितना सामान मांगेगी वो उतना ला के देखो देगा। मतलब आई वाज सो शॉक्ड सुन के। बड़ा खुलासा ये है कि इतनी बड़ी बात एक सेंटर का डायरेक्टर ये बात बोलता है। देखिए सारे दर्शक यहाँ देख रहे हैं और बड़ी बात कर रहे हैं ये कि सेंटर का डायरेक्टर ये बोल रहा है कि आपको फिजिकल होना पड़ेगा तब आगे। जी हाँ, तुम्हें फिजिकल होना पड़ेगा, तो तुम्हें जितना चाहिए, मतलब जितना भी तुम बोलो, तुमने देखा भी नहीं होगा उतना आज तक, तो वो तुम्हें उतना ला के दे देगा। तो मैंने बोला, आई वाज सो शॉक्ड कि मैंने बोला क्या कह रहे हो आप? तो उसने बोला तू हाँ या ना बोल, तो सीधा बोल तुझे करना है कि नहीं। मैंने बोला ना मुझे इतना नहीं करना है, मुझे करना नहीं है, मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं मतलब अपने COD के लिए ऐसा कुछ करूँगी। शी वॉज लाइक अबे यार मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सीरियस हो गई। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे लड़कियाँ बढ़ती रही, फिर सामान की क्वांटिटी भी बढ़ती रही, लोग बहुत ज़्यादा देर तक टॉयलेट में रहने लग गए। फिर मुझे वहाँ से पूरा एकदम क्लियर हो गया था कि ये सीन चलता है यहाँ पर। तो एक लड़की आई छोटी सी, वो आई गेस होगी 15-16 ईयर्स की। तो वो एक दिन रोते रोते मेरे पास आई एंड शी वॉज लाइक कि वंशिका दीदी ऐसा ऐसा हुआ एंड ऑल दैट। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सुबह उठ के भी देखा कि मतलब लेकर चले जाते थे लड़कियों को कभी बीच बीच में सेशन से, बहुत देर तक आती नहीं थी। तो मतलब कन्फर्म हो गया था कि ये सब चल रहा है। तो फिर हमने ये प्लान, लड़कियां बहुत परेशान हो गई थी, हम लोगों ने एक दिन बैठ के प्लान किया कि ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को 2 साल के लिए वहाँ पे पैक कर रखा था, 2 साल तक नहीं था कोई भी निकालने का।
तो हम लोगों ने प्लानिंग किया, ग्रुपिज्म करा, देन हमने डिसाइड करा कि हम चलते हैं। हमें मौका जैसे ही मिला तो हम लोग वहाँ से नहीं, उसके अलावा जैसे आपने दुष्कर्म की बात वहाँ चल रही थी तो तमाम चीज़ें भी निकल गया थी, कई ऑडियो भी हमारे पास आए हैं जिसमें जो लड़कियाँ हैं वो कह रही हैं कि हमें छेड़ा जाता था, हमें प्राइवेट छेड़ा जाता था, हमारे सामने सीसीटीवी कैमरा के सामने भी, पर वो ज़्यादातर ऑफ ही रहता था और रिकॉर्डिंग का भी कोई सीन नहीं था, उन्होंने जानबूझ के ऑफ करवा रखा था वो। तो मतलब चलते चलते मतलब बम पे स्लैप कर देते थे वो, या फिर चलते चलते ऐसे यहाँ पे पिंच कर दिया, और कोई बैठ रखा है तो उसके थाइज में ऐसे ऐसे करना, ये हरासमेंट वहाँ पे चलता रहता था लाइक 24 आवर्स। मतलब हमको नीचे बैठने में डर लगता था इसलिए हम अपने कमरे में ही रहते थे ज्यादातर, कि अगर हम नीचे गए तो ये छेड़ने लग जाएंगे। वो जो नीचे कहाँ पर, क्योंकि हमने वो दिखाया था, हॉल दिखाया था कि आप नीचे जो बॉयज का सेक्शन था वहाँ पर भी आए थे। बॉयज के सेक्शन में हमारे सेशंस लगते थे, जैसे थोड़े बहुत डांस सेशन हो गया तो वो लगाते थे, और ज़्यादातर हम तो ऊपर रहते थे। नीचे वाला सेशन बोल रही हूँ, जो बीच में हॉल है जहाँ पे सोफ़ा लगा है वहाँ की बात कर रही हूँ। और एक टाइम तो ऐसा भी था वो नशा मुक्ति केंद्र में कि हम लोग लड़कियाँ बैठी हुई थी अंदर, एकदम बहुत ज़ोर की आवाज़ आई नॉक की, तो हमारा दरवाज़ा खुला था, हम बाहर गए, जो वहाँ की डायरेक्टर थी उनने पी रखी थी, डायरेक्टर ने पी रखी थी बहुत ज़्यादा, मतलब वो नशे में भयंकर धूत हो रखी थी उनने, नीचे से आई गेस कुछ मतलब एक मिडी टाइप की पहनी थी, नीचे बाहर लड़के लोग थे, वो लोग उन्हें खींच खींच के अपने पास लेकर आ रहे थे। वहाँ उस टाइम वहाँ से सब लोग भाग सकते थे क्योंकि मेन गेट भी खुला था और वहाँ पे बॉटल भी पड़ी थी। ऑब्वियसली अब कोई अल्कोहलिक होगा, जिसका सीओडी अल्कोहल होगा, वो तो जाके अपना अल्कोहल पकड़ेगा वहाँ पे जाके। तो मतलब सेंटर में तो ये सब चीज़ दूर दूर तक दिखती हुई नहीं है, छोटी सी छोटी नशे की चीज़ अलाउड नहीं होती है वहाँ पे, इतना फुल का बॉटल पड़ रखा है, वो जो डायरेक्टर ही पी रहा है, तो वो सेंटर बिल्कुल। और वहाँ पे टीसी, वहाँ पे लट इतना, मतलब एक लट होता था इतना लंबा मोटा सा, तो अगर छोटी सी भी गलती होगी, तूने आज अपने कपड़े क्यों नहीं धोए, तो उसी को लट से इतना मारते थे लोग लड़कों को, लड़कियों को तो इतना नहीं मारते थे, पर लड़कियों को भी मारा है, पर लड़कों को ज़्यादा मारते थे, बहुत मारते थे। और एक ईंट होता था, जो ईंट होता है जिससे घर बनते, छोटा सा ईंट, उसको छील के ऊपर से उसको रख के उसके ऊपर बैठा देते थे कम से कम आधे दिन, एक दिन, एक दो दिन के लिए, अगर थोड़ी सी छोटी सी भी कोई गलती हो। कहते थे कि वो लव एंड केयर का प्रोग्राम है, लव एंड केयर के प्रोग्राम में टीसी ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दिया जाता। उनने शो किया था अपने सेंटर को लव एंड केयर का, पर उधर पूरा का पूरा टीसी ट्रीटमेंट चला रहे थे वो। इटली हमने तो ऑलमोस्ट 4-5 बार कीड़े वाली सब्जी भी खाई है मैन, वहाँ पे वो खाना बनाते थे और उसमें कीड़े तैर रहे होते थे ऊपर, और हम कंप्लेन करते थे कि कम से कम इतना खाना है तो ऐसा मत दो, तो वो बोलते थे कि क्यों, जब तुम अपना नशा करते थे बैठ के तब तुम्हें अपने खाने की याद नहीं आती थी कि तुम्हारे खाने में कीड़े हैं, ये है वो है। मतलब वो और लड़कियों का तो मैं कहूँ कि मुझे तो नहीं लगता कोई भी सेंटर लड़कियों के लिए सेफ है, क्योंकि हर सेंटर में जो मेन हेड होता है वो मेल ही होता है, और वो मेल भी एक ना एक कोई ना कोई टाइम का एडिक्ट या फिर अल्कोहलिक होता है। मतलब उनका माइंडसेट क्या है किसी को कुछ नहीं पता, ज्यादा सबका खराब होता है, क्योंकि मैं दो सेंटर काट चुकी हूँ और मैंने दोनों में ये चीज देखा है। तो मेल भी आपके साथ, जो ऊपर का आपका सेक्शन था, नीचे रहते, वो भी आपके साथ नहीं रहते थे मेल, जो दूसरे नीचे जो रहते थे, जो नहीं वो पहले हमारे साथ ऊपर रहते थे जब तक उन्होंने नीचे का फ्लोर नहीं लिया था। तो उन्होंने जब नीचे का फ्लोर लिया तब उन्होंने लड़कों को नीचे कर दिया, हम लड़कियों को ऊपर करा, तो मतलब वो आ जाते थे कभी भी, मतलब उठ के आ जाते थे हमारे रूम में, बट अलाउड नहीं है लड़कों का, कोई भी लड़के का रूम में आना अलाउड नहीं होता लड़कियों के। जी और भी है, अभी दूसरी पीड़िता भी हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ रहा, उनसे भी जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ वहाँ पर देखा, क्योंकि एक पीड़िता ने पूरी अपनी कहानी, अपनी दास्ता बताई कि क्या कुछ सेंटर में हो रहा था। दूसरी पीड़िता भी हमारे साथ है, तो मैडम क्या चीजें रही, जैसे उन्होंने तो काफी कुछ बता दिया है, आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ, कितने समय से आप यहाँ सेंटर में? मेरा ये मेरा फर्स्ट सेंटर है, मैं यहाँ पे सिर्फ मैं प्रोग्राम सीखने आई थी, फिर यहाँ पे और लड़कियों के साथ भी गलत गलत होता था, तो यहाँ पर मैं वो भी मेरे को गलत टच, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। कब से कब पता चला आपको, कितने दिन पहले आए थे यहाँ पे? मैं जून 24 जून में आई थी यहाँ पे, और मेरे को अभी दो 4 तारीख की बात है ये, वो रात को उसने मेरे को बुलाया, वो ना नशा भी देते थे, अब हमारा सीओडी है वो तो हमको अच्छी होता है, तो लालच देते थे कि मतलब सेक्सुअली हो और हमको मतलब नशा मिले, तो वो उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, तो मैंने उसको धमकी दी, मैंने कहा तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मेरे को मेरे साथ करने की कोशिश मत करना, और एक्चुअल में जिसके साथ रेप हुआ लड़की जो है अभी उसका मेडिकल होगा, तो इसलिए मैं ना डर गई थी, तो मैंने अपनी मम्मी को मैं चाहती थी कि वो आए, वो ये घर वालों से भी बात नहीं करवाते थे हमारी, हमें पहले डरा देते थे या स्टूल दे देते थे कि अगर तुम ऐसा करोगे हम तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे घर वालों का भी कुछ ना कुछ कर देंगे, तो ये कंडीशन थी कि हम वहाँ पे बिल्कुल
एकदम से मतलब झेल नहीं पा रहे थे, कैद थे हम तो मतलब। और मैं तो अपनी मम्मी को सब कुछ बता भी चुकी थी, और हम मैं रोने अगर हम रोते थे ना मीटिंग में तो उसका भी हमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस मिलता था कि स्टूल पे बैठो, कीड़ो वाला खाना खाओ। हमें बहुत 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 परेशान थे हम उस सर से। क्या क्या और चीज़ें वहाँ पर हो रही थी देखिए, आपने और तमाम जो लड़कियाँ वहाँ पर थी, जैसे आप कह रही हैं कि और लड़कियाँ नशा भी करती थी, हाँ। जो दुष्कर्म की वो बात कर रहे थे, ऐसी लड़कियाँ भी थी जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा था वहाँ पे? हाँ थी, हाँ। मैं अभी एक जो दीदी थी वो थी, और एक सहारनपुर लौट चुकी, उनके साथ भी हुआ है, हमने नाम लिखवाया था उनका। वो मतलब सेक्स कर चुके, ना सारे कैमरा ऑफ कर देते थे जहाँ तक मेरे को पता है, मेरे टाइम में उन्होंने कैमरा ऑफ कर दिया था। पर मैं बची, मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ हो, मैं लड़ी इस चीज़ के लिए। मैंने अपनी मम्मी को सब क्लियर बताया, मैंने ही इनको, मैंने ये डरते थे पुलिस के नाम से भी, वो हमको बोलते थे कि ना पुलिस हमारे हाथ में है कि कुछ नहीं कर सकती पुलिस मीडिया। मैंने मेरी मम्मी जब आई, मैंने मम्मी को ना मैसेज, मैंने फ़ोन लिया, मैंने प्रेस करके मैंने कहा प्रेस मम्मी बुलाओ, ये मैं परेशान हूँ ऐसे। तब मेरी मम्मी ने प्रेस को कॉल करा था डे वन में, तो इसलिए। वरना कोई भी लड़की एकदम बोलते हम नहीं पढ़ेंगे पुलिस के चक्कर में, मैं ही थी जिन्हें मैंने सबको हौसला बढ़ाया, मैंने कहा प्लीज ऐसे मत झेलो, ऐसे मत करो। जिस दिन आप भागे मैडम, जिस दिन चारों आप भागे हैं, उस दिन क्या प्लान था और उस दिन कैसा इतना हौसला आया, क्योंकि आप 24 जून से वहां पर थे, क्या हौसला उस दिन आया, क्या चीजें रही उस दिन? क्या था जब मेरे साथ हुआ, अभी 4 तारीख की बात है, 5 तारीख को हम भागे, मेरा यही प्लान था, मैंने कहा यहाँ से निकलो। बट की वो महिला पता क्या, वो मोटी, वो पैर दबवा रही थी हमसे, एक लड़की से पैर दबा रही थी, और जो वो सर है हमारे वो कमर में मालिश करवा रही थी, और वो अल्कोहल ले रही थी हमारे सामने दांत। मैंने कहा ये तो बहुत गलत है, जो COD हमारे सामने वो कर रही है और हम इसे झेल रहे हैं। तो हाँ, वो नशे में थी, एकदम नशे में, चाबी सामने था, मैंने उठाया, मैंने कहा चलो, एक दीदी रोटी बना रही थी, मैंने कहा दीदी चलो हम नहीं झेलेंगे, बल्कि एक लड़की वहीं रह गई, वो पलट गई। एक दिन पहले की बात है? नहीं, हाँ 5 तारीख की बात है, 5 तारीख में दोपहर में जी। हम जा चुके थे, हम भागे इसलिए क्योंकि हम फिर वो दारू पी के हंगामा करती है हमारे साथ, हमें पता था वही होने वाला हमारे साथ, तो सोचा भी नशे में हम चलते हैं यहाँ से, ये सोचा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर जो सारी चीजें चल रही थी, दुष्कर्म से लेकर जी हाँ भाई जी, उनके जो माता जी है वो भी कुछ कहना चाहती है, और उनसे भी जानते हैं कि कैसा लगता है एक बेटी जिनके घर उनके घर वाला उन्होंने सुधार के लिए वहां भेजा था, और क्या चीजें वहां पर हो रही थी अभी जो पूरी पीड़िता ने बताई। और उसके बाद अभी जानेंगे कि माता पिता का क्या सोचना है। देखिए बड़ा एक सवाल है कि यहाँ पर सुधार के लिए बेटियों को भेजा था कि जिससे वो सुधर जाएं, ड्रग एडिक्शन से निकल पाएं, पर यहाँ पर निकला तो कुछ और। जी मैडम, आपको क्या कहना है? हाँ जी, हम तो ये बोलते हैं कि लड़कियां हैं देखो, और ये इंडिया है जी, है ना, लड़कियां हैं, हम कहाँ रखे बच्चे को जी। बच्चा हमारा बिगड़ा हुआ नहीं है, स्मैक बिगड़ा हुआ है जी। बच्चे बहुत सारे हैं जो बिना स्मैक के भी घूमते फिरते होश में रहते, स्मैक बीमारी ऐसी है पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। मैंने तो बहुत सर्च किया इसलिए मुझे समझ में आ गया, स्मैक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप उसको लेने के बाद एक कैंसर बन जाता है बॉडी में, वो बॉडी का डिमांड है। आप 1 महीने तक बच्चे को पानी ना दो, किसी भी इंसान को, बच्चा क्या कोई जानवर को, उसके बदले फिर 1 महीने बाद आप पानी दिखाते हो और बोलते हैं ये ले पानी, ये पीने के लिए तुझे ये करना पड़ेगा। तो ये स्मैक की कंडीशन हो जाती है कि अगले दिन उसे चाहिए चाहिए होता है। तो ऐसे में बच्चा खराब है, हम कहाँ डालें, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, बच्चा अपना हाथ काट रहा है, बच्चे को हम बंद कर रहे हैं घर में, बच्चा अपना सर फोड़ रहा है। लोग तो कह देते हैं माँ बाप नहीं देख रहे, माँ नहीं देख रही है या पिताजी नहीं देख रहे, ये सारी गलत बात है। बच्चे ने वो जहर पिया है, वो जहर काम कर रहा है, बच्चा नहीं काम कर रहा है। अब क्या करें, अब उसका सेंस खत्म हो गया, अब हम जाते हैं इलाज के लिए, डिटॉक्स करा दिया, खून से निकाल दिया उसका गंदगी, लेकिन वो 9 महीने तक हटता नहीं है शरीर से। अब 9 महीने तक हम हॉस्पिटल में रखे, चलो रिहैब में रखा, रिहैब में रखने के बाद रिहैब में कहीं लड़कियां सेफ भी नहीं है। आपने जैसे गीता ने बताया कि इससे पहले भी उसे रिहैब में रखा गया था, और वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बिल्कुल, पहले भी ऐसे ही हुआ, हमने एक्शन नहीं लिया। मैं खुद अपने फैमिली से परेशान हूँ, बच्चे से परेशान हूँ। 3.5 महीने में आके वो दोबारा रिलैप्स हो जाता है, वो चीज, वो कीटाणु, वो ऐसी चीज होती है कि बच्चा को नहीं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अगर एक बार भी अगर ड्रिंक होता तो चलो एक बार ले लिया, सुबह होश में आ जाता, वो तो
गैप करने के बाद, 4 महीने के गैप के बाद भी एक बार भी स्मैक ले लिया ऐसा बोला जाता है, बहुत डॉक्टरों से भी पूछा, तो वो दोबारा से कीटाणु जाग जाता है अगले दिन के लिए या 2 दिन बाद, और 2 बार ले लिया तो फिर वही कंडीशन में दोबारा आ जाता है। अब हम कहाँ डालें बच्चे को, हम डालते हैं लड़की जाते हैं सबसे पहले स्मैक की है, बिगड़ी हुई है, बिगाड़ता तो उसको नशा है ना, नशे में लोग फायदा उठा रहे हैं ना, नशे में जो करवा रहे हैं वो कर रहे हैं ना, नशे के लिए कर रहे हैं ना, घर में चोरी हो चाहे कुछ भी हो, इसका साइड इफेक्ट है चोरी करना जी। लड़की है तो प्रोस्टिट्यूट बना देते हैं, हाँ ये सब साइड इफेक्ट है। बच्चा बाहर घर से चोरी कर रहा है, बाहर से चोरी कर रहा है, बच्चे को दोष दे रहे हैं माँ बाप कि बच्चा बिगड़ गया, ये नहीं देख रहे कि नशा को दोष नहीं दे रहे, वो डीलर को दोष नहीं दे रहे, बच्चे को तो सिगरेट भी पिलाया जाता है जब बच्चा जवान होता है नया नया, बच्चे को ग्रुपिंग में यारी दोस्ती के ग्रुपिंग में दारू भी पिलाया जाता है लेकिन वो अगले दिन ठीक हो जाता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो एडिक्शन में आ जाते हैं, लेकिन स्मैक तो ऐसी चीज है कि एक बार या 2 बार पिलाने से ही एडिक्शन में हो जाता है बच्चा। तो बिल्कुल अब हम बच्चे को डालते हैं वहाँ लड़की के लिए, पहली गंदगी की लड़की स्मैक की है और ऐसा ऐसा करती है, वो तो उसके साइड इफेक्ट है, वो खुद नहीं कर रही है जी। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले उसी पे नजर जाएगी कि तू ये करेगी मैं हमारे साथ, और चलो वो भी ठीक है, वो गंदगी नजर तो है ही है, दूसरा फिर उसका बेनिफिट उठाते कि बीड़ी दिखाएंगे उनको सेंटर में, नशा दिखाएंगे कि ये देखो, अब वो ही उसकी कमजोरी उसी के सामने रख रहे हैं कि ये नशा करोगी तो हमारे साथ ये करना पड़ेगा, उसकी कमजोरी ही उसको दिखा रहे हैं, हम यहाँ हजारों हजारों 18,000, 20,000, 15,000 दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं एक माँ, हाँ कैसे, ये नशे से पूरा फैमिली खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फैमिली में 10 सदस्य हैं, 10 में से 2 ही जना इस नशे को समझ पाता, बाकी तो बोलते बच्चा बिगड़ गया छोड़ दे, एक माँ तो कभी नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, तो अब आप बताइए हम कहाँ सेफ रखें बच्चों को, कौन से नशा मुक्ति केंद्र में, नहीं ये बड़े सवाल हैं कि आखिर जाएं, एक जाएं तो कहाँ जाएं, सही बात है, जहाँ औरत है लड़की है वहाँ बदतमीजी आ जाती है सामने, अरे वो नशे के हम इतना पैसा दे रहे क्या के लिए, नशा ठीक कराने के लिए जी। और तुम उसी को सेंटर के अंदर कमजोरी बना के उसके सामने रख दे रहे हो, और कोई सेंटर अच्छा है तो फिर लड़की के ऊपर कोई ना कोई ऐसा, वो भी बुजुर्ग लोग, छोटी छोटी लड़कियां हैं और तुम बुजुर्ग लोग उसको सामने, उनके सामने नशा रख के बोलते हैं देख लो कंफर्टेबल हो, तो ये तो गलत बात है ना भैया, कहां भेजें, बिल्कुल आखिर जाए तो जाए कहां, पहले ही ये बच्चों ने हिम्मत करके ये सब किया, पुलिस के पास गए, सब कुछ हुआ, चलो ठीक है पुलिस ने बोल दिया घर ले जा लो, अब ये साइड इफेक्ट को मैं कैसे दूर करूं, इनका दोबारा इनको नशा करने का मन करेगा तो क्या होगा बताओ जी, और ये दोबारा एक बार गलती से ले लिया तो ये तो दोबारा चपेट में पड़ जाएंगे, अब हम डालें कहाँ डालें, बिल्कुल इनका गुस्सा फिर नशा करने के बाद ये बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, कभी हाथ काट रहे कभी सर फोड़ रहे, तो प्लीज हम तो चाहते हैं कि कोई सेंटर तो ऐसा अच्छा खुले भगवान के लिए कि लड़कियों के लिए सेफ रहे। अच्छा आप युवाओं का संदेश देना चाहेंगे एट द एंड, जो नशे में डूबते युवा हैं आज के डेट में, युवा हैं आप खुद भुक्तभोगी हैं, आपके घर से ऐसा हो रहा है, आपकी बेटी मतलब तो ये तमाम तरीके, क्योंकि नशे को लेकर देखो युवा को मैं क्या संदेश दूं, युवा तो जैसे बच्चे जवान होते हैं इन चीजों के पीछे भागते जी, पहले दारू के पीछे होता था सिगरेट के पीछे होता था, वो एडिक्शन बन जाता था बहुत कम, 10 में से 2 एडिक्शन, लेकिन स्मैक ऐसी गंदी चीज है कि आप 2 बार पिलाओगे